मेरे ख्याल से आप तो नहीं ये सोचते कि टेस्ट है कि 2020 है या वनडे है, आपका मतलब? मेरा एक ही मानना है कि बॉल आती है और उसका उसको बाउंड्री पहुंचाना मेरा काम, ये मेरी सोच। उस सोच में कभी कभी मैं आउट भी हो जाता था। अच्छा। तो उस सोच को दूर करने के लिए कभी कभी गाने भी गाने लग जाता था। अच्छा। और गानों का एक ऐसा किस्सा था कि जब मेरे रन नहीं बनते थे जी तो मैं भजन गाता था और जब रन बनने शुरू हो जाते थे फिर बॉलीवुड पे आ जाते थे। मतलब मौके पे चौका मारते हैं आप। तो चिट्टियां कलाइयां, चिट्टियां कलाइयां, शीला की जवानी, ये नहीं शरीयत भाई। आप जब बचपन में भी लोगों की खिड़की विड़की तोड़ी आपने मोहल्ले में खेल के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता था, 52 या 55 लोगों का परिवार था। मेरे फादर के 5 बड़े भाई थे, उनके 4-4, उस जमाने में एंटरटेनमेंट नहीं होता तो 4-4, 5-5 बच्चे सबके थे। तो और बहुत सारे कजन ब्रदर थे हम लोग। हर जब भी कोई स्पोर्ट्स आता, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो उसको खेलते थे अपने घरों में। तो काफी शीशे तोड़े हैं आसपास के। अच्छा। तो मतलब लड़के भी तोड़े हैं। तो हमारे ताऊजी बॉल छुपा के बैठ जाते थे, बॉल देते नहीं थे खेलने के लिए। अच्छा। तो फिर हम लोग एक खेल होता था सर्कल बना के, उसमें सब अपनी चप्पलें रखते थे, चप्पलें मारते कि कौन ज्यादा चप्पलें बाहर निकालेगा, तो वो खेल खेलने लग जाते। अच्छा भाजी, आपको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने उसी जमीन पे 300 स्कोर बनाए थे। एक बार फिर से तालियां बनती हैं। उसी साल आपकी शादी भी हुई थी ना? जी जी जी, उस टूर के बाद। घर वालों ने कह दिया होगा कि बहुत एनर्जी आ गई, भी लड़के की शादी कर दो 300 स्कोर। अच्छा पाजी, जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ 300 स्कोर बनाई थी तो वो आपका रूटीन का बैटिंग था कि आप अपने किसी साथी ओपनर के जीरो पे आउट होने का बदला ले रहे थे? नहीं, मैं पूछना तो बनता नहीं। उसने 300 बनाया 2004 में, तू 1990 लेके घुस गया बीच में। मैंने कहा शायद उस चीज का बदला तो नहीं ले रहे। कपिल आजा आजा, तेरी फिटनेस बेहतर है पाजी से। तो पाजी पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत तेज भागता हूँ। अगर मैं फिल्म कर रहा होता तो मेरी भी। पाजी वैसे एक चीज मैंने देखी है आप में और वीरू पाजी, सिमिलैरिटीज बहुत है। कैसे? आप दोनों ओपनर रहे हैं, आप दोनों जब तक खेलते रहे आप कुछ नहीं बोले, आपने जैसे ही खेलना बंद किया आपको चुप कराने वाला कोई नहीं है। मैं ये तो पूछूंगा ही नहीं कि ये बोलने का टैलेंट कहां से आया, बिकॉज ऑब्वियसली ये शुरू से होगा। दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी एक है। अच्छा, 20 अक्टूबर। अच्छा पाजी, आप दोनों ओपनर रहे हैं, कभी आपने बोतल ओपन की साथ में ऐसे? ऐसे पूछा मैं, ऐसे आइडिया। देख भाई, मेरा कोटा मेरे फादर ने खत्म कर दिया, इसलिए मैंने शराब को छुआ ही नहीं, इसका पता नहीं। मैं ओपनर था, मैं खोलना अच्छी तरह जानता हूँ। क्योंकि जब जब बियर की बोतलें आती थी ओपनर नहीं आता था तो मैं अपने दांतों से खोल देता। क्या बात है, मतलब दोनों तरह ओपनर है, वाह। अच्छा भाजी, मैंने देखा हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जितने ज्यादातर मैक्सिमम मतलब धुरंधर प्लेयर रहे हैं, जिनका बल्ला बड़ा तेज चलता है, बॉलिंग बड़ी खतरनाक है, इंग्लिश में उतना ही काम थोड़ा ठीक ठाक ही है, पर मैंने देखा है जिनकी भी शादियां हुई है, गर्लफ्रेंड्स, बीवियां या गर्लफ्रेंड, सबकी इंग्लिश बोलने वाली आई है। हाँ। तो पाजी ये मतलब कपिल की बारी है। इंग्लिश में आज इसका भी तंग है, फेमस ये भी हो गया है, तो बीवी या गर्लफ्रेंड इसकी भी वही होगी जो अंग्रेजी अच्छी बोलती होगी। तो पाजी ऐसा होता है एक्चुअली कि जिनकी अंग्रेजी टाइट होती है, मतलब ऐसे देसी पंगत वाले लोग, उनको ऐसे इंग्लिश बुफे में मिक्स होना कुदरती मिल जाता है, ऐसे कैसे होता है पाजी? पाजी देखो, जब आपको लगता है कि आपको आगे जाके फेम मिलने वाला है तो उसकी प्रैक्टिस आप किसके साथ कर सकते हो? गली में या फैमिली के साथ तो नहीं कर सकते। तो एक लड़की है जिसके साथ आप रातों रात बात कर सकते हो, हाँ, वो आपकी इंग्लिश जरूर सुधार सकती है। और ये ऐसा मैंने ही नहीं किया, कपिल देव उनकी वाइफ देख ले, सचिन तेंदुलकर उनकी वाइफ देख ले, मेरी वाइफ देख ले, हरभजन सिंह की वाइफ देख ले, जिस मर्जी की वाइफ ले लो आप, या गर्लफ्रेंड ले ले आज के जमाने में। अच्छा, आपकी इंग्लिश टिप टॉप है। तो अब समझ में आया सबने अंग्रेजी कैसे सीखी है।
डाटा पैक डलवा लो, लगे रहो फोन पे। अच्छा पाजी, 2004 में जब आपकी शादी हो गई, ऐसे मतलब मुझे ऐसे पूछ रहा हूँ कि जब आप 300 स्कोर बनाते हैं तो ससुराल वाले छाती चौड़ी हो जाती है ना गर्व से कि हमारे दामाद जी जो बना रहे हैं ना, तो हेलमेट में से भी पहचान लेते हैं वो वीरू है। तो फिर जब वीरू ससुराल गए, कभी ऐसा होता है कि 300 बना के गए हो तो बड़ा अच्छा खाना खिलाया हो, कभी जीरो पे आउट हो गए तो ससुराल वालों ने कहा कि बेटा खिचड़ी बनाई आज तो तबीयत ठीक नहीं। मतलब ऐसे आपकी स्कोर के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है ससुराल में? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मानते कि उनका इतना बड़े नसीब था कि इतना बढ़िया दामाद मिला है। अच्छा, कि 15 साल की शादी में 15 बाल भी ससुराल नहीं आया। क्योंकि मैं एक बार ही गया था शादी से पहले, जब मैं वह गया तो उसके बाद मुझे निकलने का मौका नहीं मिला क्योंकि 10,000 लोग नीचे इकट्ठा हो गए। अच्छा। तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ससुराल नहीं आऊँगा, वरना निकलने के मुसीबत हो जाएगी। तो पुलिस बुलाई तो पुलिस ने पूरा क्राउड हटाया, फिर मैं गया। अच्छा पाजी, ये भी बड़ी एक्चुअली ये प्यार भी है लोगों का पर एक पर्सनल लाइफ भी होती है। जैसे कोई सिंगर अगर किसी का दमा तो बोल देती है कि जीजू एक गाना सुनाओ, आपको नहीं सालियां बोलती जीजू चक्का लगा के दिखाओ, कभी ऐसी परमिशन? देखिए ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब से लोगों को ये पता चलने लगा है कि मैं खेलते वक्त गाने गाता था तो मुझे भी बड़ी रिक्वेस्ट आने लगी। अच्छा, तो फिर मैंने एक फॉर्मूला अपनाया कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गाना गाने नहीं जाता हूँ, अगर गाना गाने के लिए बुलाना है तो अच्छे पैसे दो फिर मैं आऊँगा गाना गाने। तो मतलब अगर आप पूछोगे हमें हिंट है। हाँ भाजी, जब सिद्धू पाजी खेलते थे तो मैदान में 5-6 कैमराज होते थे, आजकल तो हर जगह कैमरा विकेट के अंदर भी लगाया हुआ है। हाँ। अंपायर की जेब में भी होता होगा पता नहीं, मतलब काफी जगह कैमरे, टोपी पे। हाँ, टोपी पे भी कैमरा लगा रहता है। तो पाजी कभी कभी मतलब जैसे क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक पिच पे डटे हुए हो, गर्मी सर्दी कोई भी माहौल हो आप खेल रहे हो, पसीना वसीना आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, कभी खुजली होती बड़ी ऐसे ऐसे वाली, सब तरफ कैमरा, कैसे आप धोखा दे के दुनिया को चुपके से खुजली कैसे करते हैं? मतलब देखिए, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बड़ा आसान है, आपने थाई पैड पहना है, आपने एब्डोमिनल गार्ड पहना है, आपने एल्बो गार्ड पहना है, आपके हाथ में बैट है, तो कई बार हम लोग क्या करते थे, बैट लेके ऐसे खड़े हो जाते थे। अच्छा, और हिलते रहो। और फिर कुछ ज्यादा हो तो आंखें बंद करके अंपायर के पास चले जाओ, उसको ऐसे बोलो कि मेरी आंख में कुछ घुस गया, उसको बोलो बट आंख में नहीं घुसा, कहीं और है, तुम आंख खुली करो। वीरू पाजी ने अच्छी सलाह दी कि आप अंपायर के पास चले गए, सपोज आपकी खुजली कहीं और हो रही है। हाँ। उसको आंख दिखाने लगो, आप कमेंटेटर भी पकड़ लेते हैं। हाँ। वीरेंद्र सहवाग की आंख में शायद कुछ चला गया है, तो सारा फोकस इधर हो गया। हाँ। कैमरा ने क्लोज लिया, आप रगड़ लो। तो पाजी ने बैट्समैन के बारे में तो बता दिया, पाजी बॉलर को खुजली हो रही तो वो क्या करे फिर? देखिए हम लोग बॉल शाइन करते हैं। हाँ। जी, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो जहां, अच्छा ये तो ये और अच्छी टेक्निक है, जहां पे खुजली हो रही वहां पे घिस लो। कहां घिसेगा? सपोज अगर किसी के यहां पे हो तो यहां पे घिर लगेगी, ये कहां पे घिस रहा है? बैट्समैन है, पर यार खुजली वाली बॉल, पर यार ये टेक्निक कमाल की बाजी। बाजी आप खेल के तो शौकीन रहे, बचपन में फिल्में वगैरह भी देखते थे आपके? नहीं बहुत। कौन था आपका फेवरेट हीरो हीरोइन? अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब, क्या बात है। वो और हीरोइन? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, आज माधुरी को कुछ कहना हो आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे शो के माध्यम से कुछ? कि मुझे मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। पर अभी फायदा भी नहीं, शादी हो गई उनकी। आप फिर भी शादी होगी, दो बच्चे हैं, एक का नाम वेदांत है, एक का नाम मारेवीर है, उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि आपके शो से बढ़िया कोई शो नहीं है। क्या बात है, शुक्रिया आर्यवीर एंड वेदांत, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने बड़ी जिद की आने की। अच्छा। बिकॉज उनका आज भी स्कूल है और कल भी स्कूल है, और मुझे पता है कि कपिल शर्मा के शो में दिन में तो शूटिंग होती नहीं। शो आता नाइट में है ना भाजी? हाँ, तो इसलिए शूटिंग भी रात में, दोपहर में शूट करेंगे तो वो लाइट का इफेक्ट नहीं आता। भाजी ऐसा हमने सुना है कि आप शुरुआती दिनों में जब आप क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो स्कूटर के पीछे आप आशीष नेहरा को बिठा के लेके जाते थे। जी।
तो आप घर से बॉलर उठा के क्यों लगे जाते थे? बॉलर अपने आप डर के मारे नहीं आते थे आपके सामने? देखिए, बॉलरों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप बॉलर से दोस्ती कर लेते तो वो मेरी टीम का हो या दूसरी टीम का हो, सारे बॉलरों को बोलता है कि भाई वो मेरा दोस्त है, उसको बाउंसर मत मारना. मैं नेहरा को नजफगढ़ से दिल्ली के एंड पहले उसके घर जाता था. अच्छा. उसको उठाता था और उसका जो नाश्ता होता था, दूध का गिलास और वो ब्रेड, वो मैं पीता था, मैं खाता था. और जब तक तो वो तैयार होता था तो वो नाश्ता होता नहीं था, तो उसके फादर उसका नाश्ता तैयार करते थे. वो देखते थे कि नाश्ता गया कहाँ. मैं चुपचाप बैठ के अखबार खोल के बैठा होता था. मैंने कहा नाश्ता लाए नहीं. तभी आशीष कमजोर रह गया. आप सारा नाश्ता आप ला गए. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.